नमस्कार दोस्तों, मैं संयोगिता आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया में, जिसमें मैं भारतीय संस्कृति और लोक कलाओं से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम उत्तरांचल बुनकरी के बारे में जानेंगे। पंचाचूली बुनकरी उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, तिब्बत और नेपाल की सीमा पर पंचाचूली पर्वत श्रृंखला के आधार क्षेत्र को पंचाचूल कहते हैं। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ पर काफ़ी समय तक राज किया था और यहाँ पर पांच चूल्हे पाए जाते हैं, जिनके नाम पर इसे पंचाचूल कहा जाता है। यहाँ कुल 32 गांव हैं और 800 से अधिक महिलाएं पंचाचूली बुनकरी के कच्चे माल के प्रसंस्करण और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन में शामिल हैं। इसका मुख्य केंद्र अल्मोड़ा है, जहाँ 300 से अधिक महिलाएं काम करने आती हैं। पंचाचूली महिलाएं बुनकरी के लिए भेड़ और मरीनो ऊन का उपयोग करती हैं। पश्मीना और रेशम के अलावा सभी ऊन को हाथ से बुना जाता है और रंगों में केवल प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग किया जाता है। यहाँ की महिलाएं उच्च गुणवत्ता वाले ऊन से शॉल, स्टॉल, रैप और अन्य सामान बनाकर अपनी आजीविका चलाती है। मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग जब कभी भी कहीं घूमने जाएं, वहाँ पर हाथ से बनी हुई चीज़ों को ज़रूर खरीदें और वहाँ के लोक जीवन और लोक कलाओं को प्रोत्साहित करें। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं तुम्हें कैसा लगा।